हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम, आप हमें चेहरे के काले दाग धब्बे निशान को जड़ से ख़त्म करने का अच्छा सा तरीका बता दीजिएगा। क्या होता है, जैसे कई बार धूप में बहुत ज़्यादा बैठने से स्किन पर टैनिंग हो जाती है, काले काले दाग से आ जाते हैं, फेस पर आ जाते हैं, फोरहेड पर, नोज़ पर भी आ जाते हैं, या फिर पिम्पल के दाग हो सकते हैं, जो पिम्पल एक्ने के दाग जो बन जाते हैं, बाद में जिद्दी हटने का नाम नहीं लेते, या फिर कई बार क्या होता है, छोटी मोटी पिगमेंटेशन झाई भी हो जाती है। तो आप किस तरह से इन सारे दाग धब्बों को खत्म कर सकते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको घरेलू तरीका बताऊंगी, जिसमें कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आपको बाहर से कोई भी मार्केट से दवाई कुछ भी नहीं लाना कि आप पहले खरीदेंगे फिर लगाएंगे फिर आपके दाग धब्बे खत्म होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कंटिन्यू करते जाना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके दाग धब्बे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, साथ साथ आपके चेहरे पर चमक आएगी, रौनक आएगी, आपकी स्किन का कलर भी फेयर होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या, बहुत ही आसान सी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। मैं आपको कोई सैंडविच बनाना बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, पहले ये डालो ये डालो ये डालो, मिक्स करो फिर लगाओ, सिर्फ एक चीज लगाऊंगी, विश्वास करना है, कर लेना, बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने भी इसको पर्सनली बहुत यूज किया है। तो दोस्तों, चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाने के लिए आपको लेना है एक चम्मच शहद। ये मैंने यहाँ पे एक चम्मच शहद लिया है, कोशिश करें आपको प्योर शहद मिल जाए, या फिर आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको जो प्योर शहद होता है वही मिल जाए। आपको क्या करना है, साफ आपको चेहरा रखना है, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी मेकअप पे या धूल मिट्टी पे आप लगा ले। अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धोने के बाद आपको इसको यूज करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद आपको लेना है जहां पे भी आपको दाग है, या फिर आप अपने पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको शहद लगाना है, और आपको इसको लगाने के बाद कोई मसाज नहीं करना है, बस आपको इसको इसी तरह से अपने चेहरे पे लगा हुआ छोड़ देना है। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इसी तरह से लगा के इसको छोड़ देना है। जैसे कि आप दिन में फ्री हो तो आप इसको लगा के छोड़ सकते हो, या फिर शाम को जब भी आपको टाइम लगे ये इसको अपने चेहरे पे लगा लेना। ये अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहें, आपके टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आप महंगे महंगे प्रसादनों का यूज करने से भी बचेंगे। क्या होता है, शादी से पहले मेरे को भी बहुत सारे पिंपल्स हुए थे, छोटे मोटे दाग रह गए, तो मुझे भी मेरी दादी माँ ने बताया कि आप शहद लगाओ। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, मैंने लगातार इस्तेमाल करा तो मैंने खुद देखा कि जो मेरे दाग धब्बे थे ना, धीरे धीरे कम होने लगे। और इस तरह से आप पूरे फेस पे जहां पे भी आपको लगे ना कि आपको दाग है, आपको ऐसे ही शहद लगा लेना है, बस इसको लगा के छोड़ देना है। 4-5 घंटे बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेना है, कंटिन्यू यूज करते रहे, आपके चेहरे पे जो निखार आएगा ना वो देखने लायक होगा, नोटिसेबल होगा, आप खुद बोलेंगे कि हाँ बहुत आपको फर्क पड़ा है। और हाँ, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप पिंपल पे भी शहद को लगा सकते हैं, पिंपल्स भी आपके धीरे धीरे जड़ से खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन शहद आपका प्योर होना चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आता है ना उसको जरूर दबाइएगा, ताकि आप हमारे हर न्यू वीडियो देख पाए सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।